गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स टुडे वी आर ऑन डे नंबर थ्री एंड आज जो है हमारे साथ हैं बहुत ही uh, जाने माने नेशनली और इंटरनेशनली डॉक्टर विवेक नानोटी। वो ट्रेनर के साथ साथ प्रिंसिपल है प्रियदर्शनी इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के उनके बारे में बहुत ज़्यादा बात करना ठीक नहीं है उनका बहुत लंबा डाटा है बट कुछ चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा 1996 में फिज़िक्स में पीएचडी करने के बाद उन्होंने काफ़ी सारे अच्छे पोजीशंस पे काम किया है वो डीन रहे हैं प्रियदर्शनी कॉलेज के आई जो कि एक बहुत नेशनली रिनाउंड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें काफ़ी बड़े पोजिशन पर रहे हैं ट्रेजरार रहे हैं महाराष्ट्र गोवा सेक्शन के एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेम्बर रहे हैं काफ़ी बड़े जर्नल रिसर्च जर्नल के एडिटर रहे हैं वो हैं अभी भी उनके अंडर में काफ़ी लोगों ने पीएचडी भी सबमिट कर लिया है करीब बारह लोगों ने पीएचडी सबमिट कर लिया है और अभी फ़िलहाल उनके पास एक काफ़ी अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है जो यूरोपियन यूनियन का दिया हुआ है उनके कॉलेज के लिए और करीब आठ से ज़्यादा ऐसे सेशन्स वो ले चुके हैं और आपको बड़ा मज़ा आएगा इसलिए हमने उनके सेशंस को दो पार्ट पे रखा है एक पार्ट जो 11 बजे होगा और दूसरा सेक्शन पार्ट जो है वो ढाई बजे होगा ज़रूर सुनिएगा काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा आपको और मुझे बिल्कुल विश्वास है कि ये सेशन के बाद आपको आपके कॉलेज में आप उनको इनवाइट जरूर करेंगे सो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस कीप वाचिंग दीज वीडियोस थैंक यू हेलो फ्रेंड्स दिस इज डॉक्टर विवेक नानोटी प्रिंसिपल प्रियदर्शन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी नागपुर इस वेबिनार में इस सेमिनार में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा है आप सब लोगों से बात करते हुए ये लॉकडाउन में यही एक माध्यम हमारे लिए बचा हुआ है सो फ्रेंड्स द टॉपिक ऑफ माई टूडेज वेबिनार इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड व्हाट इज दैट ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर्स ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर्स ऑफिस में कैसे बर्ताव करना है कैसे रहना है क्या बात करनी है कैसी बात करनी है फिर ये भाई टॉपिक इतना इम्पोर्टेंट क्यों है हम ये सोच रहे ऑफिस मेरे को कम पगार दे रही ज़्यादा पगार दे रही सबको अपने अपने ऑफिस से कितना प्यार है सबको अपने अपने ऑफिस में जो बॉसेस है उनसे कितना प्यार है उनके सबॉर्डनेट कितने निकम्मे हैं और वो कितने इन यू नो you know, इन इन अप्रोप्रिएट है वो गलत है इन नॉट क्वालिफाइड है आई मीन सौ टाइप की कंप्लेंट्स हैं हमको और हम त्रस्त है ऑफिस में हमको लगता है यार ये नहीं हो रहा वो नहीं हो रहा पगार नहीं बढ़ रही प्रमोशन नहीं हो रहा हो सकता है सब कुछ होता है पर इस ऑफिस में रहते हुए आज मेरे को आई एम प्रिंसिपल फॉर लास्ट सेवन ईयर्स एंड आई एम टू इंजीनियरिंग एजुकेशन फॉर लास्ट ट्वेंटी नाइन ईयर्स उनतीस साल निकाल दिए मैंने कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन में और आप में से कुछ लोग कॉलेज में हो ऑफिस uh, में हो यूनिवर्सिटी ऑफिस में हो सब लोग हम एक एजुकेशन सेक्टर में काम करने वाले लोग हैं बहुत सा टेंशन होता है बहुत सारी डेडलाइन फॉर्म्स की डेडलाइन एग्जाम की डेडलाइन पैसे नहीं आए फी कलेक्शन बच्चों से कॉन्टैक्ट टीचर से कॉन्टैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन यू नो देर आर लॉड ऑफ स्ट्रेस आई अंडरस्टैंड एंड दैट इज वाई दिस टॉपिक इज सो इंपॉर्टेंट दैट हाउ टू स्पेंड टाइम हाउ टू क्रिएट अ क्वालिटी टाइम इन टू द ऑफिस और ये क्यों क्यों इतना इंपॉर्टेंट है क्या हो गया गुस्सा किया तो सोचो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं हमने ये क्यों करना चाहिए वाई वी शुड फॉलो ऑफिस एटिकेट्स एंड मैनर्स एंड देर आर स्टैंडर्ड वेज एंड नॉर्म्स एक ऑफिस में एक क्लर्क ने कैसा बिहेव करना एक सीनियर uh, क्लर्क ने कैसा करना एक रजिस्ट्रार ने कैसे बिहेव करना हाउ टू बिहेव यू नो प्रिंसिपल व्हाट आर हिज मैनर्स एंड एटिकेट्स व्हाट आर दी एक्सपेक्टेशन हाउ टू ऑपरेट विद स्टूडेंट्स हाउ टू रिएक्ट टू स्टूडेंट्स शाउटिंग हाउ टू रिएक्ट टू पेरेंट्स हु आर अपसेट हाउ टू रिएक्ट द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स हु आर बेगिंग यू दैट येस दे डोंट हैव मनी टू पे फीस I mean, you you so well. जरूरी क्यों है दोस्तों में ये सोच रहा था हमारे दिन में चौबीस घंटे होते हैं चौबीस घंटे में तो मैं तो सबको रिकमेंड करता हूँ आठ घंटे तो बढ़िया नींद ले लीजिए सो एट आवर्स स्लीप एंड फोर आवर्स खाना पीना शॉवर लेना बाकी कोई एक्सरसाइज कर रहा कोई घूमने जा रहा है ये वो सब मेडिसिन वेडिसिन टीवी वगैरह देखना इसमें हमारे चार घंटे और चले गए तो दिन के बारह घंटे दोस्तों हमारे चले गए अब बचे बारह घंटों में अब डिपेंड करता है आप किस ऑफिस में काम कर रहे हो वहां बॉसेस कैसे वहां कल्चर कैसा है वहां सिस्टम कैसा है वॉट आर दी ऑफिस आवर्स बस आई एम श्योर दैट देर आर ऑफिस ऑफिस इन दिस इंस्टीट्यूशन एनी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यू आर वर्किंग इट डिमांड्स फॉर सेवन टू एट आवर्स वर्क एंड देन हाउ फार यू स्टे फ्रॉम योर यू नो फ्रॉम योर ऑफिस एंड होम

24 घंटों में 8 घंटे नींद गई 4 घंटे मेरे बाकी कर्तव्य है मेरे को एक्सरसाइज है नहाना खाना पीना लंच डिनर ब्रेकफास्ट सब कुछ जो कर करा के मेरे को निकलना है कोई मेरी ड्यूटीज है मम्मी को संभाल रहे कोई बीवी का कोई ये है कोई घरदार की मेरे पास जिम्मेदारी है सुबह तीन चार घंटे में कुछ नहीं कर सकता अब मेरे पास बचा क्वालिटी समय तीन घंटे विच इज फैमिली टाइम विच इज़ दोस्तों के साथ टाइम विच इज फॉर हैप्पीनेस विच इज फॉर जिसके लिए सारी जद्दोजहद है जिस चीज के लिए किस लिए पैसा कमा रहा आदमी कि मेरी फैमिली अच्छी रहे मेरी फैमिली खुश रहे मेरे बच्चों को अच्छा एजुकेशन मिले पीपल आर अर्निंग वाई आई एम अर्निंग वाई यू आर ऑल अर्निंग वाई वी आर स्ट्रगलिंग फॉर प्रमोशंस वाई वी वॉन्ट इंक्रीमेंट स्टूडेंट्स टीचर्स एवरी वन इज वर्किंग फॉर अ पर्पज फॉर अ गोल एंड दैट इज अबाउट हैप्पीनेस जिंदगी में कोई भी काम हमारे खुशी से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं पीस ऑफ माइंड फ्रेंड्स इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन लाइफ अब वो पीस ऑफ माइंड एक हो गया तो क्या फायदा वो तो तीन घंटे है ना और जो मैंने आठ घंटे नींद बोली थी ना आपको वो आठ घंटे नींद भी डिपेंड करेंगी कि ऑफिस के नौ घंटे आपने कैसे गुजारे हैं एंड हेंस ऑफिस अवर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस कैन कंट्रोल यू वॉट टू डू हाउ टू डू यू नो वॉट टू डू मेरे को मालूम है हर हर एक का एक टेबल है एवरी वन हैज गॉट अ टेबल यू नो एडमिशन टेबल स्टूडेंट टेबल एग्जाम टेबल वी हैव अवर ओन पोर्टफोलियोज वी हैव अवर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटीज वी हैव ओन रिपोर्टिंग आई रिपोर्ट टू रजिस्टर समबडी रिपोर्ट्स टू डायरेक्टर संभड़ी रिपोर्ट्स टू प्रिंसिपल वी हैव एन हरार्की इन द ऑफिस एंड वी हैव सिस्टम्स डेवलप्ड एंड आई हैव माई कंप्यूटर आई हैव माई टेबल और मेरे काम निर्धारित है मात्र इतना निश्चित होना मेरे खुशी की गारंटी नहीं देता मेरे मन शांति की गारंटी नहीं देता मुझे सब आता है मैं एक्सपर्ट हूं मेरे को ये ये काम आता है मेरे को यूनिवर्सिटी कम्युनिकेशन होता है मेरे को डीटी और एआईसीटी कम्युनिकेशन होता है मेरे को डायरेक्टर हायर एजुकेशन के साथ सारा कम्युनिकेशन करना है करस्पॉन्डेंस करना है मैं उसमें एक्सपर्ट हूं आई कैन ड्राफ्ट वेल नो दिस कम्स अंडर वन कैटेगरी दैट इज व्हाट टू डू मैंने काम कौन सा करना है और क्या करना है मुझे क्या काम दिया गया है ये एक साइड हो गई दोस्तों क्या करना है और मगर कैसे करना है यह आपकी लिबर्टी है एक काम क्या करना है यह तो आपको दिया गया आपने नौकरी कर ली है आपको डिसाइड हो गया है आपने ये टेबल पर बैठना है आपको यह पोर्टफोलियो दिया आपकी ये ड्यूटीज है आपने पहले हाफ में यह करना है सेकंड हाफ में यूनिवर्सिटी जाना है थर्ड हाफ हर हफ्ते पर बुधवार को डीटी ऑफिस जाना है हायर एजुकेशन के ऑफिस में जाना है, अपना तय है और काम में हम अच्छे भी हैं सीख भी जाते हैं ट्रेनिंग भी लेते हैं सब कुछ हो जाता है दोस्तों पर फिर भी कुछ लोग खुश है कुछ लोग नाराज है अब क्योंकि ये जो दूसरी लाइन बोल रहा हूं क्या करना है और कैसे करना है कैसे करना इज द टॉपिक ऑफ माई टूडेज वेबिनार एंड दैट इज ऑफिस एडिकेट्स एंड मैनर हाउ यू विल स्पेंड योर एट आवर्स हाउ यू आर गोइंग टू रिएक्ट टू स्टूडेंट्स हाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू योर सबॉर्डिनेट्स हाउ यू आर गोइंग टू टॉक टू योर ऑफिसेस टू योर बॉसेस टू योर कस्टमर्स टू योर स्टूडेंट्स टू योर विजिटर्स To anybody who walks into your stable, how, what, वॉट तय ये वाली फाइल निकालना है एडमिशन की स्लीप भरना है कैश काउंटर पे बैठे वाले को पैसे लेना है डीडी चेक करना है ऑनलाइन पेमेंट रिसीव करना है देना है रिसीट देना है फाइन दैट इज अबाउट वॉट यू डू हम काम क्या कर रहे हैं उसके बारे में सबको पता है और उसमें तो एक्सपर्ट होनी होनी चाहिए अगर आप अपने काम में भी एक्सपर्ट ना होना तब तो स्ट्रेस भयानक हो जाएगा पर फिर भी कुछ लोग खुश नहीं फिर भी तकलीफ है घर में जाने के बाद चिड़चिड़ करते मेरे को बहुत लोग हम लोग ऐसे शादीवादी में मिलते बहुत लोगों की फैमिलीज मिलती बोले काम कॉलेज में बहुत भयंकर काम है क्या ये तो आए बाद ऐसा गर्म रहता इनका पारा मैं तो ऐसी चाय रख के चली जाती या फिर जो हस्बैंड्स रहते लेडीज के वो बोलते मैं तो आने के बाद इसको थोड़ा शांत होने देना चाय कॉफी बनाना पीना फिर तब तक उससे बात ही नहीं करता बड़ा टेंशन है ऑफिस में ऑफिस में टेंशन नहीं है ऑफिस में होता होगा टेंशन स्ट्रेस होता होगा कभी दो लोग छुट्टी पे रहते मेरे को डबल काम आता बट मैंने मेरे दिमाग में मेरे को मेरे अंदर मैंने एटीट्यूड क्या बना रखा है मैंने क्या सोच रखा है मेरे को काम गुस्से से करना है हो सकता है मेरे को काम प्यार से करना है चिल्ला के करना है नाराज रह कर करना है ये नहीं आया मैं नाराज मेरी तेरी मर्जी आई मीन देखो मैं अगर दिन भर नाराजगी से काम करूँ तो तकलीफ सिर्फ मेरे को होने वाली मेरे को जो ब्लड प्रेशर आज से दस साल बाद लगने वाला था वो आज ही लग जाएगा क्योंकि स्ट्रेस मेरे को हो रहा है अरे बच्चे तो आपको आप बच्चों को गाली दो आप किसी को डांट दो वो बाहर जाके हंसता है पागल है करके डू यू रिमेंबर दिस डू यू कैन यू अंडरस्टैंड दिस यू ऑल्सो डू सेम बट वेन वी डू दैट वी फेट टू डू दैट दैट वॉट इज सो इंपॉर्टेंट अबाउट दैट सो कैसे करना है दोज आर ऑफिस एटिकेट्स दोज आर ऑफिस मैनर्स नाराज रह के करना है चॉइस है नाराज रहो परेशान रहो दुखी रहो गुस्सा रहो सारी निगेटिव इमोशंस है नाराज़ रहो गुस्से में रहो परेशान रहो टेंशन में रहो स्ट्रेस लो स्ट्रेस दो ये सारा आपको निगेटिव इमोशंस क्रिएट करते दोस्तों एंड दिस निगेटिव इमोशंस आर सो बैड फॉर योर हेल्थ सो बैड फॉर योर साइकोलॉजी सो बैड फॉर योर मेंटल हेल्थ और एक तरफ है पॉजिटिव फीलिंग्स मस्ती में हर एक से हंस के बात कर रहे हैं स्माइल डजेंट कॉस्ट यू एनीथिंग वाई कैंट यू स्माइल टूअर्ड स्टूडेंट्स ऑल्सो अरे आओ बेटा क्या फर्क पड़ रहा है कम ऑन सिट डाउन हाँ बेटा आराम से चलो कौन सी जल्दी है तुमको कुछ जोक्स क्रैक करो कुछ मस्ती के मूड में रहो प्यार से करो आराम से करो खुश रह के करो ये वाली एक पॉजिटिव चीज है तो हमको इधर एक पॉजिटिव लिस्ट है मस्ती से प्यार से हंस के बोल के मस्ती करके खेल कूद करके सबको लाइटर मूड में लेके भी काम होता है और परेशानी नाराजी टेंशन स्ट्रेस दुखी रहना चिड़चिड़ापन रखना ये भी सब है ये चॉइस है दोस्तों ये परिस्थिति नहीं लेती ये मेरा चॉइस है कोई मेरे को कितना नाराज कर सकता ये मेरे मेरे मेरी शक्ति है वो इट्स अंडर माय पावर आई हैव अ पावर टू से आई विल नॉट रिमेन अनहैप्पी टूडे आई विल बी हैप्पी आई चूज हैप्पीनेस फ्रेंड्स आई चूज हैप्पीनेस एंड हैप्पीनेस इज समथिंग विच इज सो इंपॉर्टेंट इंड हम जिंदगी पर क्या क्या चाहिए हमको खाना पीना रहना सब मिल जाएगा उसके बाद सुसाइड कर रहे करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी बना लिए बंगले बना लिए सब कुछ किया है लोगों ने और सुसाइड कर रहे सुशांत की केस हमने देखी नीम फेम ये खुश नहीं है ना खुश नहीं है पीस ऑफ माइंड मन की शांति नहीं है अब मत सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया दोस्तों आज तो मन की शांति सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो गया मेरी फैमिली मुझसे खुश रहे अगर मैं खुश नहीं रहा तो मेरे पे जवाबदारी है भाई मेरे घर वाले मेरे बच्चे मेरे से खुश नहीं मेरी बीवी मेरे से खुश नहीं वो चिड़चिड़ापन बढ़ जाएगा सारा स्ट्रेस इसके लिए हम इंसान नहीं बने ऊपर वाले ने हमको बनाया दुनिया में खुशी बांटने के लिए और ये खुशी बांटना है तो ऑफिस दिन में आठ से नौ घंटे जितना टाइम फैमिली के साथ नहीं बिताते जितना दोस्तों के साथ नहीं बिताते जितना भाई बहन सिबलिंग्स के साथ नहीं बिताते उससे ज़्यादा सबसे ज्यादा टाइम हमारे जिंदगी का नींद में तो हमको पता नहीं हम कहाँ होते सपने देखते रहते या कुछ टेंशन में रहते बट प्रैक्टिकल एक्टिव टाइम जो हमारा होता है दोस्तों वो ऑफिस में होता है सो ऑफिस विल डिसाइड योर हेल्थ ऑफिस विल डिसाइड योर फिजिकल हेल्थ ऑफिस विल डिसाइड व्हेन यू आर गोइंग टू कॉट बाय बीपी डायबिटीज स्पॉन्डिलाइटिस एंड यू नो कमर दर्द पीठ दर्द ऑफिस डिसाइड करता है तो ऑफिस ऑफिस एंड ऑफिस और ऑफिस ही जिंदगी है आदमी जिंदगी भर नौकरी किस लिए करता है पैसा कमाने के लिए तो दोस्तों ये बहुत बहुत गाठ बांध लो आप कि आपको ये चूज करना है कि आपको खुश रहना है यू नॉट ओबलाइजिंग एनी बड़ी यार दुनिया में हर आदमी बड़ा है कुछ लोगों को बड़ा ही अहम हो जाता है अहम सबसे गलत बात है अहंकार अहंकार बहुत गलत चीज है दोस्तों एकदम गलत ये काम मेरे से कोई नहीं करता वो तो अभी नए नए चिल्लर लोग आए हैं उनको क्या आता मेरे को सब आता वो मेरे बॉस को कुछ नहीं समझता पूरा काम मैं ही करता कितना अहंकार अहंकार से कुछ नहीं होता दोस्तों कितने आए कितने गए कौन पूछता है अहंकार में काम करने वाला हमेशा चिड़चिड़ा रहता है और दूसरों से ज्यादा एक्सपेक्ट करते रहता है और वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो वो नाराज रहता है यू आर डूइंग योर ड्यूटी फॉर वॉट यू आर बींग पेड आपको अच्छा लग रहा है इसलिए आप डेढ़ घंटा ज्यादा बैठ के काम किए आपको मजा आ रहा है इसलिए आपकी इच्छा थी आप यू यू एंड यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट यू आर इन योर लाइफ व्हाट एवर यू आर इन योर लाइफ आप जिंदगी में जो भी बन रहे हो जो भी अपने लिए खुशियां और दुख बांट रहे हो उसमें 99% नाइन चांसेस है कि वो आप खुद उसके जिम्मेदार हो और वो ऑफिस एटिकेट्स वो ऑफिस मैनरिज्म एक बार मैं सोच के चलू कि ऑफिस जाने के बाद ऐसा बिहेव करना है वैसा बिहेव करना है ये तय हो जाए एक बार नो इज इंडिस्पेंसिबल एक भूल जाओ आप बहुत छोटे हो आप वाइस चांसलर हो कि आप प्रिंसिपल जब मैं प्रिंसिपल हूं मैं अपने आप को बहुत छोटा समझता हूँ मेरे से बड़े बड़े प्रिंसिपल हैं आईआईटी के प्रिंसिपल है जे के प्रिंसिपल है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस के डायरेक्टर से मिला मैं बोला मैं कितना छोटा आदमी हूँ उनके प्रोफाइल्स देखे उनका सब कुछ देखा ऐसा लगा हम कुछ भी नहीं अपने आप को कभी बड़ा नहीं समझना एक बार आदमी ने बड़ा समझ लिया ना अपने आप को तो सारे दुख की जड़ वहीं है द मोमेंट यू डिसाइड मेरे को ज़्यादा समझता है मेरे बॉस को नहीं समझता मैं पेपर बनाता तो साइन करता है उसको मेरे से कम समझता है मेरे नीचे वाले सब निकम्मे हैं उनको मैंने सिखाया है सीख रहे हैं पर काम चो रहे हैं ये तरीके में हम वो हमारा अहंकार बढ़ रहा है दोस्तों और ये अहंकार ऑफिस में नहीं चलता वो वो गाना याद है आपको कभी कभी मेरे अमिताभ बच्चन तो मेरा फेवरेट है और वो गाना कभी कभी का था मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए लोग तारीफ करते रहते कि क्या शायरी भाई क्या कविता लिखी और वो कॉलेज स्टूडेंट होता है अमिताभ का जो फाइनल पास आउट दे दिखाए मुझसे पहले कितने शायर आए और चले गए कुछ आहें भरकर लौट गए कुछ नगमे गाकर चले गए वो भी एक पल का किस्सा था ये भी पल का एक किस्सा है कल और आएंगे नगमों की खिलती कलिया चुनने वाले मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले बहुत प्यारी लाइन से दोस्तों बहुत प्यारी लाइन मुझ से मुझसे बेहतर कहने वाले और तुमसे बेहतर सुनने वाले अरे आपने क्या बॉसिंग किया आपने क्या काम किया आपसे बहुत बेहतर आने वाले लोग नई जनरेशन पूरी टेक सेवी है कंप्यूटर एक्सपर्ट्स है नए नए बच्चे आ रहे हैं अट्ठावी बाईस तेईस साल के बच्चे मेरे को सिखा देते हैं मेरा एक्सपीरियंस उनतीस साल है मेरे को आखिरी डिग्री डॉक्टरेट करके मेरे को आज छब्बीस साल हो गए इसका मतलब मेरे को बहुत समझता ऐसा नहीं है नई जनरेशन को प्यार करिए नया आने वाले को समझ लीजिए दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कहीं भी बात करते हो आधा चीज़ तो टेंशन को ऑफिस में अगर निकालना है तो मैं चार पांच चीज़ें बोल देता हूं अपना वॉल्यूम कम रखिए कोई भी गुस्सा आए मेरा छोटा भाई आए मेरा बड़ा बॉस आए मेरे स्टूडेंट आए की वॉल्यूम डाउन बीच बीच में ऐसा डीप ब्रेक लीजिए बच्चा है हाँ बेटा बोलो आप ये वॉल्यूम रखिए जैसे आपने ये छोटा वॉल्यूम रखा सामने वाले का आवाज नीचे वो चिल्ला ही नहीं सकता क्योंकि उसको सुनना है ना आपको आपने वॉल्यूम कम रखा सबसे पहला इंपॉर्टेंट टिप आप लिख लीजिए मेरी इच्छा है आप अगर कुछ लिख लो तो अच्छा है कुछ टिप्स है ये याद रखना पड़ेगा भूलते रहते हैं हम हम गुस्सा आता हम चिल्ला देते सीधे लाइन में खड़े रहो यार सब तुम्हारे लिए बैठा क्या मैं काम करने के लिए मैं यही फाइल है कि मेरे पास मेरे पास डेढ़ सौ फाइल है तीन क्लर्क मेरे छुट्टी पे है रोज सुनते हम रोज सुनते मैं भी सुनता हूं मेरे को भी तकलीफ होती बट दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट कीप योर वॉल्यूम लो आवाज ही धीमी रखो और नीचे रखो नीचे आवाज में आदमी गुस्सा नहीं कर सकता ज्यादा तो नीचे आवाज रखना ये प्रथम ऑफिस मैनर्स आती है कीप पर्सनल टेलीफोन देखो दस से पाँच हम काम कर रहे हैं दोस्तों को फैमिली को बता देना भाई मेरा दो से ढाई लंच ब्रेक रहता है टिफ़िन खाता हूँ दस पंद्रह मिनट में उसके बाद मैं फ़ोन कर लिया करूंगा पर मेरे को ऑफिस टाइम में प्लीज फोन ना करें फोन में क्या हो जाता कौन सा फ़ोन कब आ जाएगा अच्छा आप फोन कर रहे हैं आप भूल गए कि आपके सामने चार कस्टमर बैठे हैं कस्टमर मतलब जो आपके आपके टेबल पे आपकी वेट कर रहे कि आप एक साइन कर दे आप उनका रिसिप्ट बना दे आप उनकी कैश ले ले आप उनका पेमेंट ले ले यू हैव फॉरगॉटन बिकॉज यू गॉट अ कॉल सो फर्स्ट थिंग इज कीप योर वॉल्यूम लेस आवाज आधा, टेंशन खत्म होता दम भी नहीं लगता हेल्थ अच्छी रहती दूसरा इंपॉर्टेंट रखिए लोगों को चिल्लाने की बड़ी आदत है अन्य से चिल्लाने से उनको लगता है एकदम दबका हो जाता है हम मैं काम अच्छे से करा था कुछ चिल्लाने से कुछ भी नहीं होने वाला है सो फर्स्ट थिंग कीप वॉल्यूम लो कीप यवरसेशन निग्लिजिबल दस के पहले कॉलेज में आने के पहले बात कर लो ऑफिस में बैठने के पहले बात कर लो जब तक स्टूडेंट आने के तब बात कर लो ब्रेक में टिफिन के बाद बात कर लो या तो बोल दो कि यार शाम को घर जाके बात करूंगा आधा स्ट्रेस फोन आना जाना रिपोर्ट करना उसमें के टॉपिक्स वो स्ट्रेस ऑफिस में रखना एकदम गलत बात है अवॉइड इंटरप्शंस कोई आके दूसरा बोल रहा है नहीं मेरा काम क्या है मेरे मैं स्टूडेंट क्लर्क हूं तो मैं स्टूडेंट से ही बात करूंगा मेरे पास अदर आजू बाजू वाले डिपार्टमेंट वाले आकर बैठ नहीं सकते यूज अप्रोप्रियट टोन एंड लैंग्वेज गलती से भी मुंह में गाली ना आ जाए स्लैंग लैंग्वेज भी ना आए जो बोली भाषा रहती है ना जैसे हम घर में बोल रहे हैं बाजू वाले से बोल रहे हैं भाई बहन से नहीं वेन यू आर इन ऑफिस ऑफिस कम्युनिकेशन हैज टू बी फॉर्मल एंड अप्रोप्रिएट लैंग्वेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिमूव ऑल दैट डू नॉट गॉसिप वो बड़ा मजा आता है गॉसिप करना तो वाह 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 ये तैची निंदा इसकी उसकी स्टोरी बताना जो असली है नकली है ये गॉसिप की आदतें बहुत ऑफिस में है दोस्तों जिसमें बहुत समय खराब होता मन खराब होता समय बर्बाद होता आपका प्रमोशन रुक जाएगा आपका हेल्थ ख़राब हो जाएगा आप किसी का गॉसिप कर रहे हैं आपके बारे में दूसरे दिन लोग गॉसिप करेंगे आप जिसको अपना समझ के उसके कान में बता रहे है, उसका ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं रहता वो आपके बारे में दूसरी जगह जाके बोलता है गॉसिप करना एक गंदी आदत है प्लीज़ छोड़ दीजिए कुछ आदतें हैं ये लिख लीजिए धीरे बोलना फोन यूज ना करना गॉसिप नहीं करना स्लैंग लैंग्वेज यूज नहीं चले साले ये वो मुंह में अभी सॉरी मैं ऐसी गाली पर मुंह में ऐसी गालियां बैठी है पर ये ऑफिस में नहीं चलता ये आपका दोस्तों में चलेगा सेलफोन को ज़्यादातर वाइब्रेंट मोड पे वो जो रिंग बजती ना गाने की आधा ऑफिस इरिटेट हो जाते बड़े लोगों को बड़े बड़े रिंग और वॉल्यूम की आदत है रिंग ज़ीरो रखिए ऑफिस के बेसिक मैनारिजम है ऑफिस में रिंग बजनी नहीं चाहिए घर जाके सुनिए आप कौन सा रिंग आपको सुनना है आपके फेवरेट गाने का रिंग सुनिए दोस्तों का फोन आएगा रिंग सुनिए फैमिली को भी सुनाइए पर ऑफिस इज नॉट द प्लेस वेयर यू शुड डू दिस थिंग इट इज वेरी बैड देन बी रेडी टू लर्न दिस इज वेरी वेरी डू नॉट लाफ लाफ एट अदर दिखो हंसने की भी बहुत बुरी आदत है स्माइल करिए पर किसी पे हंसना रिस्पॉन्ड प्रॉपरली टू योर कोवर्कस आपके जो कोवर्कर्स है आपके जो कलीग्स है आपके छोटे हो आपके उम्र में दो साल बड़े ऑफिस में सीनियर है चार पांच प्यार से ही बात करना है प्रॉपर पोस्चर में बैठिए देखो आधी चिड़चिड़ तो वो भी होती ना कई लोग ऐसे ऐसे बैठे रहते दोस्तों बॉडी लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है अब मैं ऐसा बैठूँ स्ट्रेट मैं ऐसा लटक के बैठूँ तो मेरी लेफ्ट में कमर दर्द होना शुरू हो जाएगा आप एक कंटिन्यूस ध्यान रखिए कि मैं जब ऑफिस में बैठा हूं तो मेरा पोस्चर सही है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप है सीधा बैठिए बहुत ऐसा रेल के नहीं बैठना बहुत झुक के नहीं बैठना कैसा बैठते हैं इससे आधी हेल्थ खराब कमर दर्द शुरू हो गई कि चिड़चिड़ापन होता परफॉर्मेंस कम हो जाता काम की क्वालिटी कम होती काम की क्वांटिटी भी कम होती अगर मेरे को एक दर्द चालू हो जाएगा ना अगर मेरी गर्दन में दर्द है आज अगर मेरी कमर में दर्द चालू है पर ये क्यों होता है ये आपके गलत पोस्चर से हो रहा है The तरीके से आप बैठते हो जो कुर्सी पे आप बैठते हो जो पोस्टर ये चेस्ट आउट स्टमक इन ऐसा बैठ रहे नीचे बैठ रहे एक हाथ ऐसा रख रहे माउस सही तरीके से यूज नहीं कर रहे कीबोर्ड लैब पे लेके बैठ रहे क्या क्या सर्कस में ऐसे ऐसे लोगों को ऐसी ऐसी पोजिशन में बैठे देखता ऑफिस में गलत है ऑफिस एटिकेट्स में सही तरीके से बैठना बहुत इंपॉर्टेंट है थोड़ा थोड़ा दो दो मिनट का ब्रेक लीजिए जमा तो पानी पीजिए पानी आपके शरीर के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों पानी पीजिए मन शांत हो जाता है सुपरवाइजर क्लाइंट सबसे प्यार से ही हमको बात करनी पड़ेगी इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो भी काम दिया है ना हमको दिल से करना है मेरे को काम दिया है मतलब वो मेरा काम है वर्क इज वर्शिप हमको पुराने पुराने ऑफिस मेरे स्कूल के नेम प्लेट लिखी थी वर्क इज वर्शिप ये मेरी भूमि है ये मेरा कर्म डिसाइड करती है मैं गलत काम कर रहा हूं सही काम कर रहा हूं मेरी जिंदगी भर की इमेज आप रिटायर हो जाते आदमी बोलते हैं मगर चोर आदमी तो अच्छा हो गया रिटायर हो गया क्या इस दिन के लिए हमने नौकरी की थी हाँ अच्छा हो गया बदमाश आदमी था यार हेडेक था ये कब जाएगा हम रहा दिखर देख पांच साल से रिटायर नहीं हो रहा था फिर एक्सटेंशन ले लिया ये जिंदगी ये जीना भी कोई जीना है दोस्तों ऐसा लय रोग रोए आपके लास्ट दिन जाते वक्त यार सर आप एक्सटेंशन करा लीजिए सर आपके साथ काम करने का मजा ही और था आपकी खिलखिलाट थी आप जो जोक सुना देते थे बीच में आप जो प्यार से समझाते थे आप गलती को भी समझा के समझ के हमको माफ कर देते सर आप ही रही है ये ये वाली चीज हमको चाहिए दोस्तों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेस लेना नहीं स्ट्रेस देना नहीं तीन वर्ड्स बिंदास जितने चाहे बेधड़क यूज करिए क्या प्लीज सॉरी एंड थैंक यू ऑफिस एटिकेट्स प्लीज सॉरी एंड थैंक यू आप किसी प्लीज पेन देना मिनट में देंगे पेन दे रहे हा तो क्या पेन नहीं लाया क्या फाइन आई मीन द मोमेंट यू आर एरोगेंट यू वॉन्ट गेट अ करेक्ट आंसर प्लीज यूज दिस थ्री इंपॉर्टेंट वर्ड्स इन योर लाइफ इन योर ऑफिस इन अ डे तय कर लीजिए कि मैंने यार आधे घंटे से किसी को प्लीज नहीं बोला आधे घंटे से किसी को थैंक यू नहीं बोला पीपल आर वर्किंग फॉर यू से थैंक यू से सॉरी से प्लीज फॉर एवरी रिक्वेस्ट यू डू डिसाइड दैट यू विल यूज दिस थ्री वर्ड्स फिफ्टी टाइम्स इन अ डे एंड विथ अ स्माइल विथ स्टूडेंट्स ऑलवेज यूज स्टूडेंट के साथ हाँ बेटा रुको बेटा बोल दो दी आधा काम शांति से हो जाता है चल रहा है पीछे खड़ा है रहो ये टाइम है क्या आने का कोई फायदा नहीं जितना हम गुस्सा कर रहे हैं गुस्सा हमारे को ये कर रहा है यू हैव टू कीप प्लीज इफ यू आर अ मेल एम्प्लॉय प्लीज बी वेरी केयरफुल इन कम्युनिकेटिंग विथ गर्ल्स स्टूडेंट्स विथ गर्ल्स एम्प्लॉय विथ लेडी एम्प्लॉय यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट बी पंक्चुअल टू योर ऑफिस दो जो रश टू ऑफिस टेन थर्टी का ऑफिस है और टेन थर्टी वन को थम कर रहा हूं नहीं करना है दस मिनट पहले पहुंचे तो क्या है यार सालों तक जाना है कैलकुलेट कर लीजिए बट बी पंक्चुअल इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप पंक्चुअल नहीं है तो कोई कोई फायदा नहीं दुनिया में कोई परफेक्ट नहीं है परफेक्ट बनने के लिए मेरे को इंप्रूव करते रहना पड़ता है तो आज से आज ये सेमिनार में एक तय कर लीजिए कि मैं जो भी हूं उससे मैं इंप्रूव होता हूं देखो दुनिया में कोई चीज परफेक्ट नहीं है आप अपन फोन खरीदते एवरीबडी वॉन्ट्स दैम टू बी अ बेटर वर्जन ऑफ यूर्स योर वाइफ यूर स्टूडेंट यूर टीचर यूर नेबर यूर किड्स योर चिल्ड्रन यूर एम्प्लॉयर यूर बॉस यूर सबॉर्डनेट एवरीबडी इन यूर लाइफ वॉन्ट्स दैट यू शुड बी अ बेटर वर्जन ऑफ यूर ओन मेरे पास एक मोबाइल है तो मेरे को लगता नहीं कि तीन साल पुराना हो गया तो लगता है यार अभी नया वाला वर्जन में तो बहुत फीचर्स आ गए तो आप भी एक आप एक डिवाइस हो आप एक इक्विपमेंट हो आप खुशी देने के लिए बने हो लोग आपसे खुशी चाहते हैं और आपसे आपका बेटर वर्जन चाहते तो हमेशा एक चीज जित करके तैयार रहिए कि आप बेस्ट नहीं हो और आप में बहुत सारा इंप्रूवमेंट का स्कोप है टू इंप्रूव इज टू चेंज विंस्टन चर्चिल का सेंटेंस है याद रखिए टू इंप्रूव इज टू चेंज एंड टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन अगर मेरे को इंप्रूव करना है तो मेरे को बदलना पड़ेगा बदलाव के लिए लोग तैयार नहीं अरे बदल गया ना सिस्टम अभी नया सॉफ्टवेयर आ गया अभी नया कंप्यूटर आ गया अभी नया आई ईआरपी आ गया अभी नई सिस्टम आ गई अब लोग प्यार से बात कर रहे हैं आजकल ये पहनते आजकल ऐसी बात करते यू नीड टू चेंज चेंज एंड चेंज एवरी नाउ एंड देन दोस्तों तभी जिंदगी आसान है बदलाव का ही नाम जिंदगी है बदलाव ही चेंज इज द ओनली दस्टेंट इन द वर्ल्ड फ्रेंड सो प्लीज प्लीज बी डू नॉट बी स्टबन क्या बात करते हैं मेरे जमाने तो ऐसी करते थे क्या बात करते हैं हमारे बॉस तो ऐसा अरे तुम्हारे बॉस हो गए रिटायर वो उसको भूल जाइए वो रिटायर हो गए उनका जमाना गया यार और आपका भी जमाना पांच साल पहले अलग था मैं छब्बीस साल पहले पीएचडी किया था तो मैं बोलूंगा मैंने बिना इंटरनेट किया तो क्या मेरे स्टूडेंट बिना इंटरनेट पी करेंगे क्या वो नहीं हो सकता मेरे को बदलना पड़ेगा मेरे को समझना पड़ेगा मेरे को लैंग्वेज चेंज करनी पड़ेगी बच्चे बहुत स्मार्ट है बच्चे मोबाइल बेस हो गए बच्चे स्क्रीन बेस्ट हो गए बच्चों को घर में माँ बाप डांट मारना तो छोड़ो डांट भी नहीं रहे आप आप के सबके बच्चे आप घर में कितना डांटते और मारते मेरे को नहीं पता पर आजकल वो जमाना बदल गया ना जो बच्चे को जिंदगी में माँ बाप ने कभी डांटा नहीं फेल होने के बाद भी मारा तो नहीं नहीं वो बच्चे को काउंटर पे आप डांट भी दो ना कड़क पता चला सुसाइड कर ले जाते जाते खतरनाक है ज़माना बदल गया हमको बदलना पड़ेगा हमको हमको तो बहुत झपते थे मेरे बचपन में तो मेरे टीचर मारते थे अरे मारते होंगे अब नहीं चलता आज उसकी क्योंकि माँ बाप भी मारते थे तब अब हमको ज़माना बदल गया हमको बदलना पड़ेगा इट इज़ नॉट द स्ट्रॉगेस्ट स्पीशीज़ एक बहुत चार्ल्स डाविंग का सेंटेंस है बहुत इंपॉर्टेंट है लिख लीजिए इट इज़ नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द स्पीशीज विच सर्वाइव नॉर द मोस्ट इंटेलिजेंट जो बहुत स्ट्रांग है उसका ज़माना नहीं है और जो बहुत इंटेलिजेंट है भयंकर मेरी टॉपर उसका भी ज़माना नहीं है जमाना किसका है इट इज वन दैट इज मोस्ट एडोप्टेबल टू द चेंज जो बदलाव को अडोप्ट कर ले एडोप्टेबिलिटी मेरे को अडॉप्ट करते आना चाहिए यार अभी ये सॉफ्टवेयर बदल गया ठीक है कोई बात नहीं अरे बड़े बड़े टेबल थे केबिन्स थे अभी छोटे छोटे क्यूबिकल आ गए तो मेरे को जमता नहीं नहीं जमता है अभी क्यूबिकल में ही बैठने की आदत करनी पड़ेगी पहले घंटी बजा के चाय आती थी अभी चुपचाप जाओ चाय मशीन पे कप लगाओ अपनी चाय खुद लो पियो और कप धो के रखो चपरासी नहीं मिलने वाला है आदत है यार चेंज करना पड़ेगा दी दीज आर दी हैबिट्स सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट वेन वी आर इन ऑफिस एस वॉट एवर आर द लेटेस्ट ट्रेंड्स वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इज समथिंग व्हिच इज सो इंपॉर्टेंट सो प्लीज रिमेंबर दैट यू हैव टू बी वेरी कीप कूल देखो गुस्सा करोगे तबियत अपनी खराब है चिल्लाओगे तबियत आपकी खराब है किसी को लगता है वॉसिंग करना तबियत आपकी खराब है ये सब नहीं चलता कोई आए तो पहले एक गिलास पानी दे दीजिए वो भी शांत है हब भी शांत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ अभी और एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट पर मैं आ रहा हूं अगर आपको दिन भर का जो चर्चा है ना दिन भर हम करते क्या है वट वी डू सिंस वी एंटर ऑफिस राइट एट टेन ओ तो पहले हमको गार्ड मिलता है गार्ड से लेके तो आखिरी जगह घर जाने तक पार्टिंग पार्किंग लॉट में एक हाथ गार्ड खड़ा रहता है सो तो गार्ड से लेके तो गार्ड तक वी कम अक्रॉस ऑफिसर्स प्रिंसिपल स्टूडेंट्स टीचर्स पेरेंट्स पेरेंट्स का भाई कोई चिल्लाने वाला कोई डराने वाला कोई कुछ कैसा कोई नाराज कोई गुस्से वाला कोई फेल वाला बच्चा कोई कोई चार साल से डीसी वाला बच्चा हजार तरीके के लोग हमको मिलते हैं दोस्तों हम दस से पाँच में गार्ड से लेके तो पार्किंग लॉट के गार्ड तक की हमारी जिंदगी ऑफिस है उस ऑफिस में हमको खुश रहना ही रहना है तो हम करते क्या है बाय द वे ये पूरा समय हम एक, एक काम कर रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स क्या बोलते उसको कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रेंड्स आप कम्युनिकेट कैसा कर रहे हो दी वे यू कम्युनिकेट पीपल विल रिएक्ट टू यू इफ यू शाउट एट पीपल पीपल विल शाउट एट यू इफ यू कम्युनिकेट विथ स्मूथ विद अ स्माइल विथ अ गुड नीट एंड क्लीन और वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट ऑफिस टिप इज कीप योर टेबल वेरी क्लीन कोई छपरा सी नहीं चाहिए अपने घर से एक कपड़ा लाइए छोटा नैपकिन टेबल क्लीन कर लीजिए कंप्यूटर क्लीन कर लीजिए जितनी क्लीनलीनेस और नीटनेस आपके टेबल पे होगी उतना फ्रेश गॉड रिसाइड्स ऑफिस इज अ सेक्रेट प्लेस मंदिर है जैसा घर एक मंदिर होता है ना वैसा ऑफिस भी आपका मंदिर है पूजा का, का काम ये जो काम है वर्क इज वर्शिप इसकी भक्ति करना चाहिए पूजा करना चाहिए अरे पैंतीस साल जिंदगी के मैं वहां डाल रहा हूं सत्तर सत सत्तर, सत्तर अस्सी साल की उम्र है आजकल तो मतलब आधी जिंदगी मैंने वहां डाली और चौबीस घंटे का सबसे अहम सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा समय मैं कहाँ डाल रहा हूँ ऑफिस में फिर उस ऑफिस में कैसे बर्ताव करना कैसे बिहेव करना अगर ये मैंने तय नहीं कर रखा है तो ये मेरी गलती है दोस्तों तय करके रखना पड़ेगा सोच के जाना पड़ेगा आज गुस्सा नहीं करूंगा अगर नहीं याद रहता तो एक अपनी पट्टी बना लीजिए अच्छे स्केच पेन से लिख लीजिए और कहीं ना कहीं अपने ग्लास के नीचे रखे नो डू नॉट शाउट कीप वॉल्यूम वॉल्यूमलेक्स कीप ड्रिंकिंग वाटर सिट इरेक्ट डोंट सिट लाइक दिस यू मे गेट अ बैक पेन डरा के रखो यू मे गेट अ नेक पेन स्पॉन्डलाइटिस हो जाएगा माउस की पोजिशन ठीक रखो लैपटॉप जेब अपने लैप पे लग के नहीं करना है डूज एंड डोंट्स ऑफ ऑफिस मैनर्स यू कैन राइट इट डाउन आई विल ऑलवेज स्माइल एंड आस्क आई विल ऑलवेज स्टार्ट माई सेंटेंस विथ प्लीज प्लीज कैन यू गिव मी दैट फाइल प्लीज दादा वो मेरे को कल वाला वो रजिस्टर ला देना कितना प्यारा लग रहा है रजिस्टर कहां रखा तूने साले यहां पे ये मेरे को रोज मेरे को यहां टेबल पे होना सो वॉट मेक्स अ डिफरेंस इज कम्युनिकेशन स्किल्स फ्रेंड्स कम्युनिकेशन इज अ स्किल डोंट गेट सम पीपल टॉक सो स्वीट सब किसी के पास है ना इतना अच्छा बोलते ऐसा लगता है उसके साथ जाके बैठ जाओ बड़ा मज़ा आता है उसके बाद सुनने के बाद दिल बहल जाता है मस्त लगता सारा स्ट्रेस निकल जाता ऐसी व्यक्ति आप भी बन सकते हैं आपके पास लोग आके मिले आपके टेबल पे काम आना चाहिए सर आपके साथ बड़ा मजा आता है बिकॉज कम्युनिकेशन इज अ स्किल प्रैक्टिस इट इट्स अ स्किल डोंट गेट इम्प्रेस विथ समबड़ी इट इज़ नॉट क्वालिफिकेशन इट इज़ नॉट बाय बर्थ कोई सिंगर का गला नहीं है कम्युनिकेशन इट इज़ अबाउट अंडरस्टैंडिंग इट लर्निंग इट एंड प्रैक्टिसिंग इट सो कम्युनिकेशन इज अ स्किल स्किल है प्रैक्टिस से ही आता है कम्युनिकेशन इज अ साइंस लर्न इट कम्युनिकेशन इज एन आर्ट स्टडी इट एक्वायर इट एंड कम्युनिकेशन इज अ टेक्निक इट इज यूज इट वेरी क्लेवरली टेक्निक है यार वो टेक्निक है उसके नियम है ये सारे नियमों को अगर हमने फॉलो कर लिया तो हमारे 90% परसेंट ऑफिस एटिकेट्स बहुत आराम से कंफर्ट हो जाएगा कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन माय डियर फ्रेंड इफेक्टिव कम्युनिकेशन इन ऑफिस कैन मेक योर लाइफ पीसफुल मन शांति रहे शांत घर जाके आदमी खुश हाउ मस्ती करेगा बच्चों के साथ खेलेगा मजा आ जाएगा उनकी पढ़ाई ले सकते हो क्योंकि मन शांत है दिमाग शांत है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ दैट यू रिमेन काम यू रिमेन पीसफुल एंड यू कैन रिमेन पीसफुल ओनली इफ यू फॉलो फंडामेंटल्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स सो फ्रेंड्स प्लीज रिमेंबर वी हैव सी हमेशा बोलता हूं आपको अगर दो भाई है और आपको कुछ बात करनी है स्पेशल सीक्रेट पर्सनल कोई ओपिनियन लेना है कोई डिफिकल्टी आई है लाइफ में सो यू विल चूज आउट ऑफ टू ब्रदर्स इससे बात करूँ कि इससे ये गुस्से वाला है ये चिल्ला देंगे डांट देंगे सुनता ही नहीं ठीक से और ये सुन लेंगा समझ लेंगे तो हमारी चॉइस ये है दो भाई मम्मी और पापा मॉम एंड डैड उनमें भी हमको चॉइस है क्योंकि एक एक सुन लेता एक सुनता नहीं मतलब सुनना करना इज कम्युनिकेशन स्किल्स सो what are those very important communication skills how to adopt them how to make a create list to become an excellent communicator how to become a most popular employee of your office all these things we are discussing into the second part of my speech i am closing my first part of speech it is 32 minutes thank you so much uh, friends thank you so much participants that you have been listening to me for last 32 minutes and now please join me फॉर माई सेकंड पार्ट ऑफ वीडियो वेर इन आई विल डिस्कस टू दी पॉइंट पेन पेंसिल लेके आ जाइए डिस्कस करेंगे एग्जैक्ट टिप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल जिससे हमारी ऑफिस लाइफ एकदम बेहतरीन बन जाएगी सारी टिप्स लिख लेना प्लान करना सी यू ऑल ऑफ यू आई हैव ऑल दोज वीडियोज अपलोडेड ऑन माई यूट्यूब ऑल्सो सो यू कैन सी ये आप यूट्यूब चैनल ही देख रहे हो मेरा इसी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करिए लाइक करिए और ऐसे ही वीडियोज देखते रहिए आपको बहुत सारे जिंदगी के कई प्रॉब्लम्स टाइम मैनेजमेंट कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रेस मैनेजमेंट और गोल सेटिंग ऐसे सभी टॉपिक पे आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे सब कुछ मिलेगा प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल सी यू ऑल इमीजिएटली आफ्टर दिस इन द सेकेंड पार्ट ऑफ माई वीडियो विच विल एक्सक्लूसिवली टॉक अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में हम मिलेंगे थैंक यू सो मच सी यू ऑल ऑफ यू इन पार्ट टू ऑफ द वीडियो थैंक यू